प्रेस वार्ता के जरिए रख रहे थे और कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कोई किसी भी तरीके आप चिंता मत कीजिए, मैं पुलिस ने डिटेन किया था सिर्फ प्रेस वार्ता पे। इतना मेरा दोस्त था कि पुलिस मुझे मेरा दोस्त नहीं बता पाई। यही मेरा दोस्त था कि मुझे पुलिस नहीं बता पाई कि मेरा दोस्त क्या था। सिर्फ प्रेस वार्ता के लिए मुझे डिटेन किया गया और मैं SC ST Act के लिए प्रेस वार्ता कर रहा था। मैं इसलिए वार्ता कर रहा था प्रेस वार्ता क्योंकि आज खंडौली में कार्यक्रम था। प्रशासन का कल फोन आया मुझे, आप खंडौली जाएंगे, परमिशन नहीं है, आप जाएंगे कि नहीं। हमने कहा परमिशन नहीं है तो हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं गए खंडौली, नहीं गए न खंडौली गए न खंडरा में। यहां पर प्रेस वार्ता हमने की और आगरा में सिर्फ प्रेस वार्ता करने के लिए पुलिस ने हमको डिटेन किया। मैं कथावाचक हूं, मैं कथा करता हूं, मैं शांति का संदेश देता हूं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि हम अशांति फैलाएंगे। नहीं, जब तक देवकीनंदन की जान में जान रहेगी तब तक शांति का संदेश मैं देता रहूंगा, सभी समाज को साथ में लेके रहूंगा और लेके चलूंगा। इसके लिए चाहे मुझे जो भी मुझे पता है अब इससे मेरे को बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन मैं देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देश की अखंडता के लिए अगर मुझे मेरा मान सम्मान वस्तु जो भी खोनी पड़े मैं अपने देश के लिए खो दूंगा। लेकिन देशवासियों आपसे एक बात कहूंगा कि आप लोग एक साथ मिलकर रहिए और श्रद्धा बनाए रखिए, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।